सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बिदर से हूँ। प्रिय छात्रों, गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी सीबीसीएस पाठ्यक्रम में बीएससी फोर्थ सेम बेसिक हिंदी में हानुष नामक नाटक रखा गया है। आज हम इस हानुष नामक नाटक के 12वें भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस 12वें भाग में जो भी घटनाक्रम होते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे छात्रों, मैं आपको पिछले कक्षा में बताया है, हानुष भीष्म साहनी का एक प्रसिद्ध नाटक है। हानुष जैसे नाटक का नाम ही हानुष है और नाटक के प्रधान पात्र का नाम ही हानुष है। हानुष की पत्नी कात्या है, हानुष के बड़े भाई लाड पादरी है, और जार्ज, टाबर, सिवचेक, जान, हुसाक आदि व्यापारी लोग इस नाटक में आते हैं। साथ साथ घड़े हानुष को जो घड़ी बनाने में मदद करने वाला जेकब, वह भी इस नाटक का प्रमुख पात्र है। राजा इस नाटक में यानी प्रमुख पात्र के रूप में आते हैं। जो हानुष यानी पूरी तरह से नाटक के प्रारंभ से अभी तक अपने 17 साल के मेहनत के बावजूद जो उन्होंने घड़ी बनाया, घड़ी बनाने के बाद जो घड़ी का जो उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन के कार्यक्रम में जो राजा ने उस कार्यक्रम में आए थे, घड़ी नगर पालिकाओं के ऊपर लग गई है। जब राजा ने आकर सब कुछ देखा और हानुष से उन्होंने संवाद किया, हानुष से उन्होंने बातचीत की, हानुष से उन्होंने प्रश्न किया कि आखिरकार आपने बिना मेरे मंजूरी से घड़ी क्यों बनाई, आखिरकार आपने किस वजह से यह घड़ी बनाया, और बिना मुझे जानकारी न होते हुए भी घड़ी नगर पालिका पर क्यों लगा दिए। तो राजा यह मानते हैं कि हानुष को दोष देना बहुत जरूरी है। हानुष को वह सजा देते हैं और हुक्म वह यह ऐलान कर देते हैं कि हानुष के दोनों आंखें निकाल दी जाए। वो अधिकारी हानुष को पकड़ के ले जाते हैं और उनके दोनों आंखें निकाल देते हैं। तो एक तरफ हानुष जिस तरह से खुशी के माहौल में अपने खुशी ज्यादा उन्होंने प्रकट नहीं कर सका, वह खुशी जल्द ही दुख में बदल गई। जब हानुष के आंखें निकाल दी गई, उसके बाद जो हानुष का जो हितैषी है एमिल, वह कात्या से यह बात कर रहा है कि जो अब हानुष की जो दशा हुई है, हानुष जिस तरह से जिंदा होते हुए भी एक नरक की जिंदगी जी रहा है, तो इस कारण हानुष को वह कहता है कि आपको जल्दी से जल्द इस प्रदेश को छोड़ देना चाहिए। हानुष ऐसे इस तरह से जीवन जीने में कुछ यानी अच्छा नहीं है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, वह कात्या से बातें कर रहा है। तो हम इस भाग में एमिल और कात्या का संवाद को हम देखेंगे। आखिरकार एमिल कात्या से बार बार कह रहा है कि मैं आपकी भलाई चाहता हूँ, मैं आपके हित चाहता हूँ, इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि आपको यह प्रदेश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हानुष जिस तरह से अब जी रहा है और आगे न जाने राजा उसे क्या क्या उस पर फिर सजा सुनाएगा, वह और उसके ऊपर भी फिर वह विचार वार्तालाप करते हैं। एमिल और कात्या का संवाद होता है। एमिल कात्या को हानुष को के साथ यहाँ से जाने को कहता है। वह कहता है कि 17 साल घड़ी बनाने में लगा दिया, बाकी के दिन भी वैसे ही तैसे काट देगा। कात्या कहती है, एक दिन तो मरना ही है, परदेश में मरने से अपने घर में ही मरना अच्छा है। जिस तरह से यहाँ पर एमिल कात्या को कहता है कि यहाँ से, क्योंकि राजा अच्छा नहीं है, राजा ने यह फैसला चर्च से ज्यादा प्रभावित होने के कारण उन लोगों को खुशी रखने के लिए, जिस तरह से हानुष को आंखें निकालने की उन्होंने जो सजा दिया, तो एमिल कहता है कि फिर आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बदले में कात्या कहती है, नहीं, हम कहाँ जाएं, न जाने, हमारा तो घर यही है, हम प्रदेश में मरने से भला तो हम यहीं पर मरना अच्छा, यह समझते। फिर क्या है, अब हानुष राजदरबारी है, राजदरबार में उसकी इज्जत है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है,
एमएल उत्तर देते हुए कहता है कि वह घबराया हुआ है, दरबार में जाता है तो डरता है। देखिए हानुष की जो परिस्थिति है, हानुष जिस तरह से जी रहा है उसी को ही लेकर एमिल कात्या से यह बात करता है कि हानुष को मैं जब देखता हूं तो वह घबराया हुआ है और वह दरबार में जो जाता है वह बहुत डरा हुआ है। इसी कारण वह एमिल कहता है कि आपको तुरंत हानुष को यहां से ले जाना चाहिए या अपनी भलाई के लिए आपको सोचना चाहिए। उसे रात भर नींद नहीं आती, तुम जबरदस्ती से उसे दरबार में भेजती हो कात्या। तो देखिए यहाँ पर एमिल कहता है, देखिए आखिरकार राज दरबार में जो हानुष अपने जीवन बिता रहा है उन्हें यहाँ पर रहने की कोई यह जगह पसंद नहीं है, आपने उसे जबरदस्ती से वहां यहाँ पर रहने के लिए मजबूर कर रही है। कात्या कहती है कि धीरे धीरे उसका मन ठिकाने आ जाएगा, किस्मत के साथ कोई कितनी देर तक लड़ सकता है, मैं तो न जाने क्या सोचता हूँ, मेरा यही फैसला है। देखिए जिस तरह से कात्या एमिल के बातों पर कात्या कहती है, मैंने यह सोच लिया है कि आप जितने बार भी मुझे कह दो कि यहाँ से जाइए, लेकिन मैंने तो सोच लिया कि हमें मरना है तो यहीं मरना है, जीना है तो यहीं पर जीना है, मैं अंधे पति को कहाँ ले जा सकती हूँ। अगर राजा ने एक बार हमारे ऊपर इतना यानी कठिन फैसला ले लिया है तो न जाने फिर वह कैसे, यह बार बार कैसे करेगा, तो कितनी देर तक हमारे किस्मत के साथ वो लड़ सकता है, मेरा तो यही फैसला है। एमिल इसमें सोचने की क्या बात है, एमिल कहता है कि मैं सच कहे बिना नहीं जाता, तुम हानुष के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी कर रही हो, तुम अपने खातिर अंधे हानुष को जान ले रही हो। देखिए यहाँ पर एमिल जिस तरह से कात्या को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको हानुष के बारे में सोचना चाहिए, जो आपने हानुष को जान के बारे में आप बिल्कुल परवाह नहीं कर रही हो, अपने अंधे पति के बारे में कुछ ख्याल करो और उसे यानी अपनी दुश्मनी निकाल रही हो। तुरंत मैं जो कह रहा हूँ आपको कि राजा अच्छा नहीं है, बाद में आपके ऊपर यानी जो कैसे समय आएगा यह पता नहीं है, मैं तो यह जानता हूं कि आपको यहां से चले जाना चाहिए। एमिल कहता है कि पिछले 20 सालों से तुमने गरीबों का सामना किया है, पर अब तो आराम है, तुम इसी आराम पर हानुष का कुर्बान कर रही हो। कात्या कहती है कि क्या मैं यह अपने लिए कर रही हूं। देखिए जिस तरह से एमिल बार बार इसी विषय को लेकर कहता है कि देखिए आपने गरीबी से अपना जीवन यापन किया है, कठिनाई ने आपने झेला है, जिस मुश्किल से आपने अपना जीवन बिताया है, मैं यही कह रहा हूं कि आपका हित चाहता हूं, इसी कारण आप अब आराम है। अगर आप मैं जो आपको बता रहा हूं कि तुला अगर आप उस स्थान पर उस जगह पर आप चले जाते हैं तो आपको वहां पर अच्छा हो जाएगा, रहने के लिए मकान मिल जाएगा, आपको पैसे दिया जाएगा, घड़ी बनाने के लिए वजीफा दिया जाएगा, हानुष वह आराम से वहां पर जिएगा, तुम इसी आराम पर हानुष का कुर्बान कर रही हो। देखिए एमिल यहां तक कहता है कि आप अपनी आराम के कारण हानुष की कुर्बानी दे रही हो। कात्या कहती है क्या मैं अपने लिए कर रही हूँ, तुम समझते हो वाह अंधा है तो मैं सुखी हूँ, तुमसे यही सुनना पड़ा था। एमिल कहता है कि तुम अपने दिल से पूछो कात्या, क्या वह इस हालत में कभी सुखी रह सकता है, अभी वक्त रहते उसकी जान बचाई जा सकती है। देखिए यहाँ पर एमिल कहता है कि अब भी समय है, आपको यह सोच लेना चाहिए हानुष की जान कैसी बचाई जा सकती है। इसी कारण मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस तरह से हानुष को लेकर राजा का अभी तक उन्होंने फैसला सुनाया और जो हानुष जिस तरह से जिंदगी बिता रहा है और राजा ने यहाँ तक कहा है कि यह घड़ी की देखभाल करनी आपकी जिम्मेदारी है, कल अगर यह घड़ी खराब हो गई, अगर सही तरह से नहीं चल पाई तो राजा फिर से हानुष को सजा दे सकता है। इस तरह से एमिल पूरी तरह से वहां के वातावरण को जानकर, वहां के माहौल को समझकर कात्या को बार बार यहां सलाह दे रहा है। कात्या कहती है कि मैं उसे बेघर नहीं होने दूंगी, मैं उसे बेघर यानी मैं यहां से नहीं जान दूंगी। एमिल कहता है कि मैं सोचा था कि तुम मान जाओगी, मैं अब सीधा हानुष से बात करूंगा। कात्या कहती है कि तुम हमारा घर बर्बाद करने बैठे हो। देखिए हानुष और कात्या के बीच में ये जो जो संवाद होता है, साथ साथ
यहाँ पर एमिल और काट्या के बीच में जो प्रमुख विषय को लेकर, हानुष के भविष्य को लेकर या हानुष के परिवार को लेकर, साथ साथ एमिल जो खास तौर पर हानुष को अपना मित्र मानते हैं, वह सलाह देते हैं कि आपको, आप अगर, मैं ही सोचा था कि आप मेरी बात मान जाओगी, लेकिन आपकी जो रवैया देखकर मुझे लगता है कि आप मेरी बात मानने में यानी दिल नहीं लगती है। तो वह कहता है एमिल कि मैं अब, जब मेरी बात आप नहीं मान रही है तो मैं सीधा हानुष के पास जाऊंगा, उसे ही मनाने की कोशिश करूंगा। काट्या उसी को लेकर कहती है कि आप तो हमारे पूरा घर को बर्बाद करने बैठे हो, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। एमिल कहता है कि ऐसा नहीं है काट्या, हानुष अंदर से बहुत दुखी है, बेचैन है, पहले दिन रात काम करता था, अब बिल्कुल खाली हो गया है। मान जाओ काट्या, कुछ जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। काट्या कहती है, हे भगवान, यह कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी। देखिए जिस तरह से यहाँ पर एमिल बार बार काट्या को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो इंसान अभी तक सुख था, जिनके जीवन में अब दुख का माहौल आ चुका है, दुख से जिंदगी जी रहा है, और वह इंसान दरबार में होते हुए भी अपने आप को बेचैन है, दुखी है, जो उसे दरबार में जाने के लिए डर लगता है, तो इसी कारण वह एमिल कहता है कि मेरी बात मान लो कि आपको यहाँ से जाना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपकी जान या हानुष की जान बच सकती है, नहीं तो आपको हाथ धोना पड़ेगा। इसके ऊपर जब एमिल जब बातें कर रहा है, पूरी वातावरण को देखकर, माहौल को देखकर, तो काट्या को यह लगता है कि न जाने आपने ही हमारा घर परिवार को बर्बाद करने पर लगे हो, लेकिन मैं आपको बात, आपकी बात नहीं मानने वाली। तो इसी को लेकर काट्या कहती है कि हे भगवान, ये ऐसी कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी। देखिए जिस तरह से एमिल और काट्या के संवाद को लेकर नाटककार ने एमिल के द्वारा यह वाक्य यानी बाहर प्रस्तुत करने की कोशिश किया है कि काट्या को जो यह भी एक मौका है कि हानुष को काट्या बचा सकती है, या हानुष का परिवार अगर जिंदा रहना चाहता है तो एमिल की बात मानने के लिए बार बार नाटककार ने एमिल के जरिए यह बात का उल्लेख कर रहा है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन काट्या मानती नहीं है। एमिल कहता है कि क्या हुआ, गली से आवाज आती है तो हानुष जख्मी हो गया है। देखिए जिस तरह से एमिल बात ही कर रहा है, बार बार काट्या को समझाने की कोशिश ही कर रहा है, यह खबर आ जाती है कि हानुष अब जख्मी हो गया है। फिर आवाज आती है कि बादशाह की सवारी जा रही थी, हानुष गाड़ी के बीच में आ गया है, घोड़े ने कुचल दिया है। काट्या रोती हुई भगवान, एमिल पूछता है क्या ज्यादा चोटें आई है। उसी समय जैकब भागता हुआ, जैकब कहता है हानुष चाचा को चोटें आई है, वह बचा हो गया है, यांका उनके पास है। काट्या कहती है भगवान, यह भगवान का नाम लेके। जिस तरह से देखिए एमिल बार बार काट्या को यह समझाना, समझाते वक्त काट्या का एमिल के बात न मानना, उसी संदर्भ में आने वाले भविष्य को लेकर जिस तरह से एमिल बता रहा है, और यह घटना भी घट चुकी है कि आखिरकार हानुष जख्मी हो गया है, बादशाह की सवारी जा रही थी और बादशाह की सवारी के उस गाड़ी में हानुष बीच में आकर वह जख्मी हो गया है, और उसे जैकब ने बचा लिया है, उसके साथ यांका है, और बादशाह ने यह भी नहीं देखा कि आखिर यह इंसान कौन है। तो आखिरकार वह अंधा हानुष गाड़ी के बीचों बीच आ चुका है, गाड़ी ने उसे यानी घोड़ा की गाड़ी उसे कुचल दिया। एमिल कहता है कि चिंता मत करो काट्या। जैकब कहता है कि ठीक है। देखिए जिस तरह से एमिल बार बार काट्या को यहाँ धैर्य देने की कोशिश कर रहा है कि अब चलो ठीक है, जैकब तो बता रहा है कि वह चोटें, मामूली चोटें आई है, बिल्कुल ठीक है। जैकब फिर से कहता है कि मामूली चोटें आई है, लेकिन हादसा बहुत बुरा हो सकता था। एमिल यह भी कहता है कि हादसा जो घटा है बहुत बुरा हो सकता था। एमिल पूछता है आखिर कैसे हुआ यह सब। जैकब बताता है कि हम चौक में खड़े थे, आगे से राजा की सवारी आई, हमने बताया कि राजा की सवारी आ गई, हानुष हमसे छूटा कर सीधा गाड़ी में चला गया, वह गिर पड़े, बाद में हमने उसे संभाल लिए, न जाने उसकी जान भी जा सकती थी। इस बात से जैकब बताता है कि हम वहीं पर खड़े थे, लेकिन हानुष जो है वह हमसे छूटकर वह गाड़ी सीधा चला गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर बार बार
अनुष्कर्णी में इसका कारण गया है कि जिस तरह से उनकी आंखें निकालने के कारण वह राजा के ऊपर बहुत गुस्से में क्रोधित है, वह किसी हाल से अपना बदला लेना चाहते हैं, न जाने उनके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं जो आपको बाद में पता चलेगा। कात्या कहती है कि क्या हानुष जानबूझकर गाड़ी में गया होगा? देखिए मैं अभी कारण के बारे में बता रहा था, शायद वही कारण यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। कात्या कहती है कि अगर हानुष जानबूझकर तो गाड़ी में नहीं गया, जो राजा से कुछ बदला लेना चाहते अपने आंख के बदले आंख हो, या अपने जो उन्होंने राजा सजा दिया है उसकी सजा राजा से कुछ भी करने के लिए तैयार है। एमिल कहता है कि मुझे ऐसा तो जान पड़ता है, फिर से कहता है घबराओ मत कात्या, हानु शायद राजा के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया होगा। देखिए एमिल यह भी कहता है कि जो हानुष है राजा के सवारी में इसलिए आया होगा कि जो अब जो उनमें क्रोधित है, जो उनमें गुस्सा है, राजा के सामने वह पेश किया होगा। कात्या कहती है कि उन्होंने जानबूझकर जान देने के लिए गाड़ी में कूदा होगा। एमिल कहता है कि वह बड़ा दुखी है कात्या, 2 साल बीतने पर भी संभाल नहीं पाया। कात्या कहती है कि वह आजकल मुझसे ज्यादा बातें भी नहीं करते हैं। देखिए मैंने जो आपको इस घटनाक्रम के बारे में बता रहा हूँ कि कात्या और एमिल के बीच का जो संवाद है हानुष के भविष्य को लेकर, एमिल बार बार कहता है कि हानुष बहुत दुखी है, घबराया हुआ है, उनका मन यहाँ पर नहीं है, वह कुछ बदला लेना चाहता है बादशाह से। तो कात्या भी यह कहती है कि न जाने आजकल वक्त वह मुझसे ज्यादा बातें भी नहीं कर पा रहा है, और न जाने उनके मन में नकारात्मक बातें हो रही है। इस तरह से कात्या भी एमिल को हानुष के जीवन के बारे में बताती है। कात्या कहती है कि उनके अंदर अब भी गुस्से की आग धधक रही है, वह अपनी जान हथेली पर रखे हुए हैं। एमिल कहता है कि अंधे आदमी की दुनिया ही अलग होती है कात्या। कात्या कहती है कि एमिल तुम्हारा सुझाव मुझे मंजूर है, अगर यहाँ से चले जाने से ही उसका भला तो मुझे मंजूर है। देखिए अभी अभी हम पिछले स्लाइड में यह बता रहे थे, कात्या यह बात बिल्कुल मानने को लिए तैयार न थी कि एमिल बार बार बता रहा था कि आपके भविष्य के लिए, आपके हित के लिए जो मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अब एमिल के बातों के ऊपर कात्या को अब विश्वास होने लगा है, इसी कारण अब कात्या यानी राजा की तरफ से अब हानुष को 2 बार सजा, यानी पहली तो आंखें निकाल दी गई, दूसरी बात हानुष राजा के सवार गाड़ी के सवारी में आ गया, इसी कारण वह जोखिम हो गया। इसी कारण अब कात्या को भी यह विश्वास होने लगा है कि जो एमिल है हमारे हित की ही बातें कर रहा है, इसी कारण वह अंत में एमिल की बातें मानने के लिए तैयार हो जाती, उनकी सुझाव उसे यानी अच्छा लगता है। वह कहती है कि ठीक है, मैं यह मानती हूँ कि तुम्हारा सुझाव मुझे मंजूर है, अगर यहाँ से चले जाने से ही उसका अगर भला है तो मुझे मंजूर है, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, मैं हानुष को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, तुमने हानुष से कभी बात की है? एमिल कहता है कि साल भर पहले मैंने बात किया था। देखिए आखिरकार कात्या यह मान लेती है कि हाँ ठीक है, अगर हमारा जीना यहाँ पर इतना मुश्किल हो रहा है, हानुष अपने आप को इतने तकलीफ महसूस कर रहा है, तो मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। तो आखिरकार वह कात्या पूछती है कि आपने हानुष से कभी बात किया? वह कह रहा था, तो एमिल कहता है कि वह कह रहा था घड़ी तोड़ने से ही मुझे शांति मिलेगा। देखिए हानुष के आंखें निकालने के बाद 2 साल बीत गए, फिर भी आज हानुष के मन में बहुत बहुत क्रोधित है, वह बहुत गुस्से में है, उनका गुस्सा वह आग बबूला हो रहा है वह। इसी कारण उनको जब शांति मिलेगी कि घड़ी तोड़ दिया जाए, इसी कारण तो उसे सजा मिला है, तो वह चाहता है कि घड़ी को तोड़ देना है। मैंने कात्या को जीवन में बहुत दुख दिया है, वह यह भी बता रहा था कि मुझे जब शांति मिलेगी जब यानी घड़ी को तोड़ दूंगा, दूसरी बात मैंने मेरी पत्नी कात्या को जीवन में बहुत दुख दिया है और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, वह घड़ी तोड़कर राजा से बदला लेना चाहता है। कात्या कहती है कि हम एक दूसरे के भला चाहते हुए भी एक दूसरे को सुख नहीं दे पाए। देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से 17 साल तक हानुष का परिवार का जो संघर्ष, एक तरफ गरीबी और एक तरफ हानुष की कड़ी मेहनत के बाद जो घड़ी बन गई, घड़ी बनने के बाद जिस तरह से परिवार में जो खुशियां की लहर आई, वह खुशियां हानुष के परिवार में ज्यादा दिन तक नहीं रही। फिर एक बार हानुष के जीवन में जो अंधेरा आ गया, हानुष जो उनके आंखें निकाली गई, तो
कात्या यह सहज रूप से आहानुष के बारे में यह भाव प्रकट करती है, अपना विचार व्यक्त करती है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत भला चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे को अपने जीवन में कभी सुख नहीं दे पाए। कात्या कहती है कि हम अगले महीने चले जाएंगे एमिल, उसे समय आहानुष का आगमन होता है। देखिए कात्या आखिरकार यह मान लेती है कि चलो हमने जीवन में एक दूसरे को भला चाहते हुए भी एक दूसरे को सुख नहीं दे पाए, तो अगले महीने जो तीर्थ यात्रा होने वाले उसी महीने हम चले जाएंगे, उसी संदर्भ में हानुष का यहाँ पर आगमन होता है। तो इस तरह से यह सेशन में हानुष को लेकर, हानुष के भविष्य को लेकर एमिल और कात्या के बीच में जो संवाद होता है यह बहुत महत्वपूर्ण संवाद है कि बार बार एमिल कात्या को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपके भविष्य के लिए, हानुष के भविष्य के लिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि हानुष जो है अपने आप को बहुत संभाल नहीं पा रहा है, नरक की जिंदगी जी रहा है। तो पहले कात्या ने एमिल के बातों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, फिर अब उसे यह लग रहा है कि जब वह हानुष यानी राजा की गाड़ी के सवारी जब जा रही थी, जब वह जोखिम हो गया, तब उसे यह अब एहसास हो रहा है कि हाँ एमिल जो बता रहा है हमारे हित के लिए ही बता रहा है, तो अगले महीने में चली जाऊंगी। उसी संदर्भ में यहाँ पर यानी हानुष का आगमन होता है और यह जो भाग है यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग में जो कुछ घटनाक्रम होता है उसके बारे में हम बाद में अध्ययन